Good morning everyone. My name is Professor Nidhi Gaur from SIRT College. Today I discuss very important topic of physics where we discuss about the scalar quantities and the vector quantities. Before studying scalar quantities and vector quantities, we must know what is physical quantities are. So the quantities which can be measured, are called physical quantities like length, width, volume. ये सारी क्वान्टिटीज को हम मेजर कर सकते हैं तो इनको हम फिजिकल क्वान्टिटीज कहते हैं या इनको हम भौतिक राशियाँ कहते हैं. फर्दर वी डिवाइड फिजिकल क्वान्टिटीज इन टू पार्ट्स, स्केलर क्वान्टिटीज एंड द वेक्टर क्वान्टिटीज. सो वाई वी नीड टू डिवाइड दीज क्वान्टिटीज इन टू पार्ट्स, दिस क्वेश्चन अराइज इन आर माइंड. सो द रीजन इज सम क्वान्टिटीज can be represented only by the magnitude and some quantities need to represent direction and magnitude both. तो ऐसी राशियाँ जो सिर्फ परिमाण से व्यक्त हो सकती हैं उनको हम अदिश राशियाँ बोलते हैं, और जिनको व्यक्त करने के लिए हमको दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है उसको हम सदिश राशियाँ कहते हैं. जैसे नाम से ही हमको समझ में आ रहा है, सदिश मतलब दिशा के सहित और अदिश मतलब दिशा के अभाव में. जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए हम दिशा भी यूज करते हैं वहाँ पर हम उन राशियों को सदिश राशियाँ कहते हैं, और जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती जो सिर्फ परिमाण से व्यक्त करने पर भी अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकती हैं उनको हम स्केलर क्वान्टिटीज कहते हैं. इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे कि स्केलर क्वान्टिटीज हैं लंबाई, चौड़ाई, आयतन, स्पीड. इसी तरह जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं उनकी एग्जांपल हैं फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. जिस तरह फोर्स है, फोर्स धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी होता है. इसी तरह डिस्प्लेसमेंट भी बताने के लिए हमको दिशा की आवश्यकता होती है. तो इस तरह की राशियाँ जिनमें हम दिशा और मैग्नीट्यूड दोनों यूज़ कर रहे हैं राशि को प्रेजेंट करने के लिए, तो इस तरह की राशियाँ वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती हैं. इसके बाद हम देखते हैं कि इनकी क्या क्वालिटीज़ हैं जो इनको अलग अलग बनाती हैं. सबसे बड़ी तो क्वालिटी यही है कि जो स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं उनको व्यक्त करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, और जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं उनको व्यक्त करने के लिए हमको दिशा और मैग्नीट्यूड दोनों की ज़रूरत होती है. फिर एक बहुत बड़ा अंतर इन दोनों में ये है कि जो स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं, उन पर जो अगर उन पर हमको कोई भी ऑपरेशन करना है तो वो ऑल एल्जेब्रिक लॉज जो होते हैं जो नॉर्मल मैथ्स में हमारे अप्लाई होते हैं उनको फॉलो करते हैं. जैसे हमें दो अदिश राशियों को जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है या उनका भाग करना है तो हम आराम से उनको हमारे नॉर्मल एल्जेब्रिक जो हमारे लॉज हैं मैथ्स के उनको अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं. पर जब बात आती है वेक्टर क्वांटिटीज़ की तो वो हमारे एल्जेब्रिक जो लॉज होते हैं जो मैथ्स में अप्लाई होते हैं उनको ओबे नहीं करता. तो जो वेक्टर क्वांटिटीज़ का हम कोई भी गणितीय सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं या हम उन पर धनात्मक, ऋणात्मक या गुणा करना या भाग करने की क्रियाएं हम अप्लाई करते हैं तो उस समय हमको कुछ सेट ऑफ रूल्स जो कि हमने अलग से बनाए हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ के लिए उनको फॉलो करना पड़ता है. यानी सीधा सीधा पता चलता है कि वेक्टर क्वांटिटीज़ हमारे एल्जेब्रिक लॉज को फॉलो नहीं करती. इसके बाद हम देखते हैं कि जो स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं और जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं इनका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है. इसको रिप्रेजेंट करना बहुत आसान होता है. जैसे कि हम बोर्ड पे देख रहे हैं, मैंने एक ओ और पी बनाया हुआ है और एक उनके बीच में एरो बनाया हुआ है. ये एरो ही होता है जो कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है. जो एरो का जो ये लाइन दिख रहा है ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड दर्शाता है, और ये इसका जो शीर्ष दिख रहा है ये उसका डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है. इससे सामने आ रहा है कि जो वेक्टर की डायरेक्शन है वो ओ से पी की तरफ है. इसको दिखाने के लिए हमको राशि के ऊपर कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ एरो का साइन लगा देते हैं. किसी भी राशि के ऊपर एरो का साइन लगाते हैं तो ये शो करता है कि वो राशि एक वेक्टर राशि है या वो एक वेक्टर क्वांटिटी है. वेक्टर को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. फर्स्ट, हम किसी भी राशि के ऊपर अगर हम एरो का साइन लगा देते हैं तो वो भी एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है. हम चाहें तो उस राशि को बोल्ड फॉर्म में लिखकर भी हम उसको वेक्टर रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं. जैसा कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इस ए को मैंने बोल्ड
फॉन्ट में लिखा है तो ये भी एक वेक्टर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बहुत आसान है वेक्टर को रिप्रेजेंट करना, बस हमें राशि कोई भी राशि होती है अगर हम उसके ऊपर एरो का साइन लगा देते हैं या उसको बोल्ड फॉन्ट में लिखते फॉन्ट में लिखते हैं तो वो एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने लगती है। आगे हम देखते हैं कि सदिशों का मापांक क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सदिशों का। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर। जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, किसी सदिशों की परिमाण को प्रदर्शित करने वाली धनात्मक संख्या, ये इस पर आप ध्यान दीजिए, धनात्मक संख्या को सदिशों का मापांक कहते हैं। इससे समझ में आ रहा है कि जब सदिशों का परिमाण सदिशों का मैग्नीट्यूड देखते हैं तो उस मैग्नीट्यूड का धनात्मक मान, उस मैग्नीट्यूड का जो पॉजिटिव वैल्यू होती है उसके मापांक को शो करती है। इससे समझ में आता है कि जो सदिशों का मापांक होता है हमेशा धनात्मक संख्या होती है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम मॉड का यूज़ करते हैं। अगर जैसे हमें ए वेक्टर का मापांक निकालना है, उसको दर्शाना है, तो हम उस वेक्टर को मॉड के अंदर लिखते हैं। ये प्रदर्शित करता है कि इसके पास वेक्टर का, ए वेक्टर का धनात्मक मान है। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, सदिशों के प्रकार। सदिशों के कुछ प्रकार मैंने बोर्ड पे लिखे हुए हैं, जैसा कि समान सदिश, इक्वल वेक्टर्स, असमान सदिश जिनको हम बोलते हैं अनइक्वल वेक्टर्स, ऋण सदिश या विपरीत सदिश जिनको हम बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर्स, स्थिति सदिश जिनको बोला जाता है पोजीशन वेक्टर्स, विस्थापन सदिश जो कि है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, समतलीय सदिश जिनको बोलते हैं कोप्लेनर सदिश, शून्य सदिश जो कि कहलाते हैं जीरो वेक्टर्स, एकांक सदिश जो कि होते हैं यूनिट वेक्टर्स। तो अब हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर, जिसमें पहला वेक्टर है समान सदिश जिसको बोला जाता है इक्वल सदिश। एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, अगर दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है तो इस तरह के जो वेक्टर्स होते हैं उनको समान सदिश कहा जाता है, यानी इक्वल वेक्टर्स उन सदिशों को कहा जाता है या इक्वल वेक्टर्स उन वेक्टर्स को कहा जाता है जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम होता है और जिनका डायरेक्शन भी सेम होता है। जैसे यहाँ पर ए वेक्टर का डायरेक्शन भी, ए वेक्टर और बी वेक्टर का डायरेक्शन भी सेम है और इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है। मीन्स ए की वैल्यू अगर 3 है तो बी वेक्टर की वैल्यू भी 3 है, और अगर दोनों ए वेक्टर का साउथ में जा रहा है, डायरेक्शन में जा रहा है, तो बी भी साउथ डायरेक्शन में ही मूव करना होगा। तो इस तरह के वेक्टर जिनका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम होता है, इस तरह के वेक्टर्स को इक्वल वेक्टर्स कहा जाता है। दूसरा तरह का वेक्टर होता है असमान सदिश, या इसको हम बोलते हैं अनइक्वल वेक्टर। नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये इक्वल नहीं है। ऐसे वेक्टर्स जिनकी दिशाएं समान नहीं होती, जिनकी दिशाएं अलग अलग होती हैं, जो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल नहीं करते हैं या सेम डायरेक्शन में नहीं होते हैं, इस तरह के वेक्टर्स असमान सदिश कहलाते हैं। ऐसे वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड तो सेम होता है बट इनका डायरेक्शन सेम नहीं होता, तो असमान सदिश उन सदिशों को कहा जाता है जिनका मैग्नीट्यूड तो समान होता है, जिनका परिमाण तो समान होता है, लेकिन इनकी दिशाएं अलग अलग होती हैं। तीसरा तरह का वेक्टर होता है ऋण सदिश या विपरीत सदिश, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है नेगेटिव वेक्टर्स। इस तरह के वेक्टर्स, जैसे हमने लिखा है, इस तरह के वेक्टर्स नेगेटिव वेक्टर कहलाते हैं जिनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। जो अगर एक वेक्टर नॉर्थ में जा रहा है तो दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन साउथ में है। इन दोनों का परिमाण तो बराबर होता है बट इनकी डायरेक्शन सेम नहीं होती, इसलिए इनको अपोजिट वेक्टर्स या नेगेटिव वेक्टर कहा जाता है। जो नेक्स्ट वेक्टर हम देख रहे हैं उसका नाम समतलीय सदिश, इसको कोप्लेनर वेक्टर कहा जाता है। नाम शो कर रहा है कि कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन पर। ऐसे वेक्टर जो एक ही समतल पर स्थित होते हैं, एक ही प्लेन पर स्थित होते हैं, इस तरह के वेक्टर्स को समतलीय सदिश या कोप्लेनर वेक्टर कहा जाता है। जो अब नेक्स्ट वेक्टर हम देखने वाले हैं उसका नाम है स्थिति सदिश या पोजिशन वेक्टर। स्पेस में या अंतरिक्ष में जब भी हमें किसी कण की स्थिति का पता करना होता है तो उसकी स्थिति हमेशा हम एक ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कंसीडर करते हैं। यहाँ मैंने एक्स वाई जेड एक्सिस बनाए हैं, ओ हम उसका ओरिजिन है, पी बिंदु पर किसी कण की हमें स्थिति को देखना है, तो हम क्या करते हैं केंद्र से उस बिंदु को पी बिंदु तक मिला देते हैं। जो ओ पी है वो पी पॉइंट पर कण की स्थिति सदिश को रिप्रेजेंट करता है। इसको दर्शाने के लिए हम आर वेक्टर को यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा स्थिति सदिश। नेक्स्ट जो हमारा सदिश है वो है स्थापन सदिश, इसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को भी हम दर्शाने के लिए एक्स वाई जेड एक्सिस का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर ओ केंद्र है जिसके रिस्पेक्ट में हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को चेक करेंगे।
T1 पॉइंट है जहाँ पर कोई कण है, माना T1 टाइम पर, थोड़े समय बाद उसकी स्थिति P2 हो जाती है, मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट P1 टू P2 हो जाता है। तो जो P2 माइनस P1 है, ये जो डेल्टा है, ये उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर शो करती है। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी हमेशा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही रिप्रेजेंट किया जाता है। पढ़ने वाले हैं, उनका नाम है शून्य सदिश और एकांश सदिश। शून्य सदिश या जीरो वेक्टर उन वेक्टर्स को कहा जाता है जिनका मॉडुलस जीरो होता है। एकांश सदिश या यूनिट वेक्टर्स उन वेक्टर्स को कहा जाता है जिनका मॉडुलस या मापांक एक होता है। इसको हम ए के ऊपर कैप लगा कर रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम ए कैप बोलते हैं। और ए कैप इज इक्वल टू होता है वेक्टर ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए। इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करेंगे तो आ जाएगा ए वेक्टर इज इक्वल टू ए कैप एंड मॉडुलस ऑफ ए। तो ये प्रेजेंट करता है यूनिट वेक्टर्स को। डिस्कस किया वेक्टर क्वांटिटीज एंड स्केलर क्वांटिटीज के बारे में, उनके गुणधर्म हमने देखे, उनकी क्वालिटीज हमने देखी, क्या उनमें डिफरेंस है, क्या उनका रिप्रेजेंटेशन है, कितने वो टाइप के होते हैं, ये सब आज हमने डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच।